स्वागत है आप सभी का मयूर मोगरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दीक्षा है, मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर हूँ। मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। प्रेजेंटली मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस। मैंने उत्तराखंड पीसीएस मेंस भी लिखा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं, साथ ही में हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी क्लास यदि कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 है इंडस्ट्रीज़। तो देखिए, हमने लास्ट लेसन में एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी की प्राइमरी एक्टिविटी है। हमने 3 टाइप की डिफरेंट एक्टिविटीज़ पढ़ा था। तो आज हम जो इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। अब देखिए, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि देखिए ये कॉटन है, कॉटन से कैसे यहाँ से ये कॉटन वीव हो रहा है एंड कैसे फाइनली जाके इससे कॉटन फैब्रिक बना है। तो क्या होता है कि जब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जब रॉ मटेरियल्स फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, तो वो किसका पार्ट होता है? प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। एंड प्रोसेसिंग की वजह से क्या होता है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। सो चेंज रॉ मटेरियल्स इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। अब देखिए, कॉटन एंड फैब्रिक के अगर हम कंपेरिजन करें तो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल क्या चीज़ है? हम कपड़े पहनते हैं तो कॉटन के कपड़े, तो कॉटन के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? कॉटन क्लॉथ। तो रॉ मटेरियल्स को मोर वैल्यूएबल फॉर्म में चेंज करने को प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें कि देखिए, पेपर से निकलता है पल्प एंड क्लॉथ से, एंड क्लॉथ किससे बनता है? कॉटन से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेज में, अब देखिए ये तीन, ये दो स्टेजेस यहाँ पे दिखाई हैं, फर्स्ट थर्ड स्टेज है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। तो ये दोनों हर एक स्टेज में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसने एक प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ किया। यहाँ से कॉटन रॉ मटेरियल है, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई, एंड यहाँ से जब ये बना इसकी और इंक्रीज़ हुई। अब ऐसे फैब्रिक के बाद एक फाइनल शर्ट बन के आएगी तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वे में, इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ यूज फ्रॉम। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो कि है उसके कंपैरिजन में उस रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा उसकी यूटिलिटी है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ज़्यादा यूजफुल है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। देखिए, इंडस्ट्रीज़ क्या है? इंडस्ट्री कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इंडस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड है? इंडस्ट्री जहाँ पे भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है हम उसको इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे इसको हम स्टील इंडस्ट्री बोलेंगे। जहाँ पे भी मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, जैसे कोल इंडस्ट्री है। जहाँ पे भी सर्विसेज का प्रोविजन होता है, जैसे ये टूरिज्म इंडस्ट्री है। अगर टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा हम और सर्विसेज की बात करें कि कौन से हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो हम बात कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर। देखिए, जो सर्विसेज है ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, टर्शरी एक्टिविटी है, बट ये भी क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री हम बोलते हैं। तो इंडस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड है? इंडस्ट्री ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है, उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे एग्जांपल बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर आ गया, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल के अंदर आ गया, टूरिज्म इंडस्ट्री आ गई सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। अब देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ है उसको हमने क्लासिफाई किया, यानी कि उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम इंडस्ट्रीज़ को किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? डिवाइड करते हैं रॉ मटेरियल्स के बेसिस में, उसका साइज़ के बेसिस में कि छोटा है या बड़ा है, एंड ओनरशिप के बेसिस में। तो पहले हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स के बेसिस में अगर हम देखेंगे तो रॉ मटेरियल्स के बेसिस में इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड हो सकती है। तो देखिए, इंडस्ट्री जो कि एग्रो बेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये कॉटन से फैब्रिक बन रहा है, ठीक है, ये कॉटन को वीव किया जा रहा है। तो क्या होता है कि कॉटन इंडस्ट्री है। अब कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। तो ये क्या हो गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। वैसी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, देखिए ये है ज्वेलरी में, अब डायमंड्स गोल्ड का यूज़ करते हैं, तो ये सारे जो जेम्स है डिफरेंट डिफरेंट, ये मिनरल है, और ये कहाँ से मिलते हैं, ये भी हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं। तो ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मरीन बेस्ड की बात करें तो देखिए, हम फिशिंग जैसे फॉर एग्जांपल है। अब देखिए, फिशिंग जो है, फिशिंग आपने आपके पास फिशेज है, उससे फाइनल जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, फिश ऑयल जैसे बनता है, सी कॉड ऑयल बनता है, तो ये जो होते हैं ये क्या है, ये मरीन बेस्ड है, क्योंकि मरीन में जो लाइफ है, इकोसिस्टम है, उसमें जो भी लाइफ है, जैसे
जितने भी जो भी लाइफ है, ठीक है, देखो सी वीड से होते हैं, सी वीड से भी कितनी सारी मेडिसिन्स बनती हैं, तो वो भी क्या हो गया, मरीन बेस्ड हो गया, ठीक है। एक होता है फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये फॉरेस्ट बेस्ड है। यहाँ पे ना देखिए, ये जो पेड़ को काट के फिर क्या होता है, वुड्स बनाए, वुड्स 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 के बाद उससे क्या होता है, उसकी फाइन करके, उसकी रिफाइनिंग करके क्या फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। तो फर्नीचर्स जो बनाते हैं वो हमारा क्या हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड हो गया। फिर कितने सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स भी जो है वो भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। हमें काफ़ी फॉरेस्ट से देखिए ऐसे वो मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, जो कि फर्दर हमें देखिए ऐसे जड़ी बूटी मिलती है, जो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाने के लिए। तो वो क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो इस वे में हमने रॉ मटेरियल्स के बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया हुआ है। साइज की बात करें तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, कितने लोग उसमें, सॉरी हाँ, अगर हम साइज की बात करें तो कितने उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने एम्प्लॉयड है उसमें, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कितने लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, इसके बेसिस में हमने, इसके बेसिस में, या इसको हम क्या बोलते हैं, साइज, ठीक है। तो साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, एंड कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम साइज के बेसिस में देखें तो इंडस्ट्री को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर हम अब कॉटेज इंडस्ट्रीज बात करें या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो वो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें मोस्टली मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, इसमें मोस्टली लेबर का यूज़ होता है। जैसे आर्टिसंस होते हैं, वो आर्ट क्राफ्ट्स करते हैं, तो उसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन करने में, इंस्टेड ऑफ मशीन्स। मशीन का कम यूज़ होता है, कैपिटल इसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट इमेज में सिल्क ये लोग बना रहे हैं, सिल्क वीविंग इंडस्ट्री है। तो सिल्क वीविंग इंडस्ट्री क्या है, सिल्क वीविंग इंडस्ट्री कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम कैपिटल यूज़ होता है, कम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, क्योंकि मोस्टली जो काम होता है वो हाथ से बना हुआ होता है। तो किस पर डिपेंडेंट होता है, ह्यूमन लेबर पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो ये देखिए, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्री है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल का होता है वो ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी मोस्टली जो यूज़ होती है वो सुपीरियर हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मशीनरी यूज़ होती है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ कैपिटल होता है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सब कुछ जो होता है वो हाई लेवल का होता है। एंड प्रोडक्शन भी जो फाइनल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है, ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोडक्शन होता है। तो ये डिफरेंस है साइज़ के बेसिस में लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ओनरशिप के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज़ को ओनरशिप के बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। कभी आपको सुनने में आता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री है, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल उसको ओन करता है, यानी कि उसका मालिक, और उसका ऑपरेट करना, उसका रोज़ उसको हर किस तरह से इंडस्ट्री को वर्क करना है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड होता है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसके ओनर होते हैं। तो कोई भी ऐसा सेक्टर या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि कुछ इंडिविजुअल्स या पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको ओन या ऑपरेट करता है, उसको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है जो कि गवर्नमेंट जिसको ओन ऑपरेट करता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, ये कुछ एग्जांपल्स है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जॉइंट से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई दो सेक्टर, दो लोग मिले हुए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट लोग, तो स्टेट प्लस प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलके इसको ओन एंड ऑपरेट करते हैं, इसमें इनके शेयर्स का डिवीजन होता है। फिर है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसको क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे वो होते हैं जो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करते हैं या रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे कुछ लोग मिलके इसका इसको 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 शुरू कर सकते हैं, या कोई भी इससे वर्कर्स हो सकते हैं। जैसे हम बात करें तो आनंद मिल्क लिमिटेड है, ठीक है, तो वो एक कोऑपरेट सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कोऑपरेट सेक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मर्स फॉर एग्जांपल हैं, वो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वही आपस में एक अपना सेक्टर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। आई होप अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो आप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है
कोई भी इंडस्ट्री आपने देखने को मिलेगी किसी एक एरिया में ज़्यादा होती है। जैसे सपोज आप नोएडा की तरफ जाएँ या पानीपत में जाएँ हरियाणा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी जिनको हम इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, किसी कम एरिया में कम इंडस्ट्री होती हैं? तो इनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या हैं, जैसे रॉ मटेरियल, ऐसे एरिया में जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली आपको मिल सकता है तो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाएगा, इधर से उधर जो रॉ मटेरियल्स लेके जाना है उसका टाइम और उसके पैसा बचेगा। पावर, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उनको इजीली मिल जाए, अवेलेबल लैंड हो, ठीक है, इंडस्ट्री शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली मार्केट भी अवेलेबल, यानी कि जो अपना फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए आसपास मार्केट होनी चाहिए जहाँ पे वो फाइनली उसको बेच सकें, ठीक है। मार्केट अवेलेबिलिटी होती है, कैपिटल होता है कि उनके पास उसको शुरू करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, लेबर होना चाहिए। अब वहाँ पे इजीली अवेलेबल स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लेबर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का लोकेशन काफ़ी डिपेंड करता है। अब देखिए कभी कभी लेकिन क्या होता है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी किसके सेंस में, सब्सिडाइज्ड पावर प्रोवाइड करेगी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर देगी या अदर टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर या किसी भी से सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में आके भी शुरुआत करें एंड वो उन एरियाज़ को भी थोड़ा डेवलप करें जो रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है। तो उनको डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ फिर सब्सिडीज़ उनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री होगी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो एरिया ज़्यादा धीरे धीरे डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो लोगों को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सर्च ऑफ जॉब्स, तो उनको वहीं पर इतनी जॉब मिल जाएगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज़ में प्रमोट करती है कि इंडस्ट्रीज़ का शुरुआत हो। इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करो तो देखिए हमने अपने लास्ट लेसन में बात करी थी कि जो एग्रीकल्चर है वो भी एक सिस्टम है। क्यों सिस्टम है, क्योंकि उसमें इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट होता है। उसी तरह ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडस्ट्रीज को भी हम एक सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इनपुट्स होता है। इनपुट्स क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ होता है, लेबर यूज़ होता है, लैंड की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, पावर होता है, ठीक है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं ये सब बनते हैं इनपुट्स। इनपुट्स जो के प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उनको इनपुट्स बोलते हैं। प्रोसेसेस की बात करें तो देखो कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ जिससे रॉ मटेरियल्स फिनिश प्रोडक्ट बनता है उसको वो आ गया प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आता है, प्रोसेसिंग के बाद रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो होता है आउटपुट। सो आउटपुट आर आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। तो उससे जो भी इनकम मिलेगी वो भी किसके अंदर आ गया, आउटपुट के अंदर आ गया। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब किसके अंदर आ गए, इनपुट के अंदर आ गया। गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सब किसके अंदर आ गई, प्रोसेस के अंदर आ गया। फाइनल शर्ट जो आप पहनते हैं वो किसके अंदर आ गया, आउटपुट के अंदर आ गया। तो इस वजह से जो इंडस्ट्री है वो एक क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम है। इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड होती हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उस एरिया में होती हैं, और इस तरह से क्या होता है, वो इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के साथ अपने जो बेनिफिट्स है वो शेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जहाँ पे स्टील इंडस्ट्री होती है उसके आसपास आपको कोल इंडस्ट्री मिलेगी, उसके आसपास आपको रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रीजन्स एमर्ज व्हेन नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जब एक दूसरे के आसपास लोकेटेड होती हैं एंड दे शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लोजनेस, अपने क्लोजनेस की वो अपने बेनिफिट्स शेयर करती हैं, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं कहाँ कहाँ पर, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है एंड ईस्टर्न एशिया में है। इंडिया में अगर देखें, अगर हम देखिए वैसे जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो मोस्टली टेम्परेट एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे या सी पोर्ट्स के आसपास देखने को मिलेंगे। सी पोर्ट्स इसलिए सो दैट अगर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो सी पोर्ट के आसपास पोर्ट कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। इस वजह से ये भी एक रीज़न है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाए तो वो पोर्ट जहाँ पर कनेक्टिविटी है वहीं पर इंडस्ट्रीज़ का सेटलमेंट होता है या कोल फील्ड्स के पास, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे
इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जैसे है मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया के। मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, फिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हम आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में बहुत पुरानी इंडस्ट्री हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी रिसेंटली शुरू हुई है, ठीक है। एंड उसके कंपैरिजन में अगर हम आयरन एंड स्टील या हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री हैं। कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड, कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मेजर कंट्रीज़ जहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। जर्मनी है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, रशिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको मेनली देखने को मिलेगी इंडिया में, हांगकॉन्ग में, साउथ कोरिया में, जापान में एंड ताइवान में। मेजर हब्स अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, आपको पता है ये बहुत फेमस है। इंडिया का सिलिकॉन वैली हम किसको बोलते हैं, बैंगलोर रीजन, तो बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी फेमस है। तो ये तीन इंडस्ट्री जो है ये मेजर इंडस्ट्रीज़ है प्रेजेंट अगर हम बात करें। एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ देखिए क्या होती है, मैंने आपको बताया ना अभी कि जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है वो एमर्जिंग इंडस्ट्री है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं एमर्जिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है कि अभी जो रिसेंटली शुरू हुई हैं, ठीक है, बट उनका जो तरीका है काम करने का या उनका जो विजन है, हमको पता है कि ये बहुत छोटे टाइम पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकती हैं। इनको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री, यानी कि जिनका मार्केट में यानी कि ऐसा डिमांड काफ़ी अच्छा है एंड जो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स एंड काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, जिनसे जिनसे ज़्यादा अच्छी होप्स है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बात करें तो होप जिनसे ज़्यादा अच्छी होती है उनको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये एक सनराइज इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब इसमें हम और बात करें तो वेलनेस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, नॉलेज है, तो ये कुछ और अदर इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक फीडर इंडस्ट्री है। क्यों ये फीडर इंडस्ट्री है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टील है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। आयरन और स्टील दोनों ही दूसरे काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या है, ये एक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में सब रॉ मटेरियल्स ही होता है उनका ये इनपुट्स है। इनपुट मैंने आपको बताया। अब देखिए फिर प्रोसेस की बात करें तो फिर ये आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है मैनी स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, एंड फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमें स्टील मिलता है। अब हम देखिए अगर बात करें तो पहले हम क्या करते हैं आयरन ओर को स्टील में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। आयरन ओर चाहिए होता है, कोल चाहिए होता है, लाइमस्टोन चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर साइट चाहिए होती है। ये हमारे इनपुट्स के अंदर आ गए। प्रोसेस के अंदर हम करते हैं आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, देखिए रॉ मटेरियल जो है यानी कि जो आयरन ओर ये सबका मिक्सचर जो है इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है जिसके अंदर इट गोज इनटू स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग क्या होती है, स्मेल्टिंग देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर ओर्स। तो ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड हीट करने के बाद ओर से हम जो मेटल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में जब रॉ मटेरियल को डाला जाता है यानी कि आयरन ओर को डाला जाता है, फिर होती है स्मेल्टिंग। तो इससे क्या होता है, इट इज़ देन रिफाइंड, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है एंड फाइनल आउटपुट जो हमको मिलता है वो मिलता है स्टील। और फिर स्टील को अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल्स। तो हम डेली लाइफ में स्टील आप देख सकते हैं हम कितनी चीज़ों में यूज़ करते हैं। हमारी स्टील की प्लेट्स होती हैं, स्टील के ग्लासेस होते हैं, ठीक है, नीडल्स होती हैं वो भी स्टील की होती हैं,
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिसमें स्टील का यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, तो इसलिए हमारी डेली लाइफ में स्टील में देखें तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब देखिए अगर बात करें तो देखिए इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि कितना कोल यूज़ हुआ, फिर कितना आयरन ओर उसमें मिला एंड कितना लाइमस्टोन बना एंड कितना ज़्यादा स्टील बना। तो आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन के मिक्सचर से इसकी स्मेल्टिंग के बाद इसको जो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, इसके बाद जो फाइनल मटेरियल बन के आता है वो क्या होता है, आउटपुट स्टील होता है। स्टील की बात करें तो स्टील काफ़ी टफ होता है, ठीक है, उसको हम इजीली शेप कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में एंड उसको काट वाट के हम उससे एक वायर भी बना सकते हैं। अगर हम स्पेशल अलॉयज़ की बात करें स्टील की, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, स्पेशल अलॉयज़ ऑफ स्टील किस तरह से बना सकते हैं, जब हम एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर के कुछ कुछ अमाउंट्स ऐड करते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं, स्टील के स्पेशल अलॉयज़ बनाते हैं। अलॉयज़ की वजह से क्या होता है, अलॉयज़ की वजह से अनयूजुअल हार्डनेस होती है, यानी कि हार्डनेस बढ़ती है, टफनेस बढ़ती है, एंड क्या होता है कि जो स्टील है वो रस्ट को, ठीक है, रस्ट जिस पे जंग लग जाता है उसको रेजिस्ट करता है, यानी कि उस पे रस्ट नहीं लगेगी। इस वजह से स्टील जो है उसको मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन बोला जाता है, क्योंकि जो स्टील है वो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में उसकी यूज़ होती है, उसकी यूटिलिटी है, इसलिए मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए स्टील को क्या बोला जाता है, बैकबोन बोला जाता है। 1800 AD से पहले बात करें, यानी कि 19th सेंचुरी से पहले की बात अगर हम करें, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो ऐसे एरिया में लोकेटेड थी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली मिलता है, पावर सप्लाई इजीली है, पानी जो है वो रनिंग वाटर उनको मिल रहा है, ऐसे एरियाज में मोस्टली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती इन 19th सेंचुरी से पहले। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी, तो ऐसे एरिया में होने लगी जहाँ पे कोल फील्ड्स हैं, क्योंकि कोल भी चाहिए होता तो ईजिली उनको कोल मिल जाए, ठीक है, या फिर क्लोज टू कैनाल्स या रेलवेज, कैनाल्स के पास ताकि उनको पानी मिल जाए, रेलवेज के थ्रू इसलिए क्योंकि रेलवेज से वो लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1950 यानी 20th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऐसे एरियाज में एमर्ज होने लगी जहाँ पे ज़्यादा फ्लैट लैंड अवेलेबल है नियर सी पोर्ट्स, यानी कि कनेक्टिविटी रेलवे से अब क्या चेंज हो गई, सी पोर्ट्स, ठीक है, सी पोर्ट्स इसलिए क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लग गया था, उस प्रोडक्शन को हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और बाद में क्या हुआ था कि स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर को हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, तो इस वजह से सी पोर्ट के टूवर्स को इसकी लोकेशन बनने लगी। तो आप देख सकते हैं कैसे 1800 से लेके 1950 तक, यानी कि बिफोर 19th सेंचुरी एंड आफ्टर 20th सेंचुरी, कितना ज़्यादा लोकेशन में चेंज आया। क्यों चेंज आया, क्योंकि फैक्टर्स भी धीरे धीरे चेंज होते गए। इंडिया में अगर हम देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, इट हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया में देखिए रॉ मटेरियल्स बहुत ईजिली अवेलेबल है, चीप लेबर बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट भी है, तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर अच्छे से डेवलप हुई है। अगर हम इंपॉर्टेंट स्टील एंड इंडस्ट्रीज एरियाज़ के बारे में बात करें तो कौन कौन से इंडिया में ऐसे सेंटर्स हैं, भिलाई है, दुर्गापुर है, बोरनपुर है, जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, ये चार स्टेट्स में डिवाइडेड हैं। ये सारे जो रीजन्स हैं ये फोर स्टेट्स में स्प्रेड हैं। स्टेट्स है वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यानी कि ये जो चार स्टेट्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो कि स्टील को प्रोड्यूस करने में, यानी कि स्टील प्रोड्यूसिंग मेजर सेंटर्स जो हैं वो ये चार स्टेट्स में हैं। अदर स्टेट्स की बात करें तो भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, फिर सालेम तमिलनाडु में, ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे स्टील सेंटर्स लोकेटेड हैं, ठीक है, बस लेकिन मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो हैं वो चार स्टेट्स में हैं एंड बाकी के जो रिमेनिंग हैं वो अदर स्टेट्स में भी हैं। जमशेदपुर की बात करें तो देखिए ये काइंड ऑफ स्टोरी ये है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। 1947 से पहले अगर हम बात करें, जैसे आपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो इंडिया में आयरन स्टील प्लांट जो था वो नहीं था, उसके बाद आया टिस्को। 1907 में टिस्को की शुरुआत हुई, ये शुरुआत में क्या था, एक प्राइवेटली ओन इंडस्ट्री थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने यही एक स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट था, गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद इनिशिएटिव लिया और काफ़ी ज़्यादा और भी सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स की शुरुआत करी। टिस्को की बात करें तो टिस्को को साक्षी 1907 में इस एरिया में इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है, ये है यहाँ पे सुब्रनेखा और खरखाई
दो नदियां हैं यहाँ पे, दो नदियां मिलती हैं। ये जगह कहाँ पे है? ये झारखंड में है। बाद में साक्ची का नाम जो है वो पड़ गया जमशेदपुर। ज्योग्राफिकली बात करें तो जमशेदपुर जो है ये मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर है इंडस्ट्री हमारे कंट्री का। तो इसकी वजह से है, बहुत सारे फैक्टर्स है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इजीली यहाँ पे कोल अवेलेबल होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से बोला गया कि ज्योग्राफिकली जो है वो ये जो सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसको क्यों चूज़ किया, इस एरिया को क्यों चूज़ किया गया था स्टील प्लांट शुरुआत करने के लिए? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि देखिए काली मट्टी स्टेशन के बहुत क्लोज है ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो इसकी वजह से क्या होता है, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन में ये लोग इजीली रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे। आयरन और कोल मैगनीज डिपॉजिट्स जो हैं, ठीक है, उसके आसपास, इसके आसपास ही ये अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ पे कोल आयरन मैग्नीज डिपॉजिट है, इस वजह से ये भी एक रीज़न था कि इस प्लांट की शुरुआत इस एरिया में की गई। एंड प्लस ये जो है ये कलकत्ता के बहुत पास है, तो कलकत्ता में काफ़ी ज़्यादा लार्ज मार्केट मिलती, इस वजह से भी इन्होंने सोचा कि ठीक है यहाँ से अराउंड ज़्यादा दूर नहीं है, बंगाल रेलवे लाइन भी है, तो हमारे लिए कलकत्ता मार्केट भी काफ़ी ईजी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या है, हम यहाँ पर अपना प्लांट शुरुआत करते हैं। टिस्को जो है वो अपना कोल कहाँ से लेता है, झरिया कोल फील्ड से लेता है। आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज लेता है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से। खरकई सुवर्णरेखा रिवर्स जो मैंने आपको बताया था, जो इस एरिया में दोनों जाके मिलते हैं, इसकी वजह से उनको सफिशेंट वाटर मिलता रहता है। गवर्नमेंट ने देखिए इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए हैं जिससे उनको एडिक्यूट कैपिटल भी मिलता है लेटर फॉर देयर लेटर डेवलपमेंट, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया, ताकि क्या कैपिटल के सेंस में सपोर्ट किया, ताकि उनका और डेवलपमेंट हो। जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ पे अदर इंडस्ट्रीज़ भी शुरू हो चुकी है, मतलब नॉट ओनली स्टील एंड प्लांट बट अदर देन स्टील एंड प्लांट अदर इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे शुरुआत हुई हैं, जैसे कि है केमिकल इंडस्ट्री, लोकोमोटिव इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्री, फिरेट इन प्लेट, केबल वायर, ये सारी इंडस्ट्रीज़ भी इस एरिया के आसपास शुरुआत हुई हैं। इस वजह से जमशेदपुर के हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है। मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ क्लोजली आप सेटअप करती हैं और एक दूसरे से अपने बेनिफिट शेयर करती हैं, तो उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये एक इंडस्ट्रियल रीजन है। आयरन एंड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की वजह से इंडिया में हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील है वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। इस वजह से जब इंडिया में स्टील प्रोड्यूस होने लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, अदर इंडस्ट्रीज जहाँ पे स्टील का यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल, वो इंडस्ट्री भी डेवलप होने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर्स हैं इंडियन इंडस्ट्री के, ठीक है, वो जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, वो भी डेवलप होने शुरू हुए। आयरन, द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स, इट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना देखने को ध्यान में रखना है कि ये कि कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हुई, ठीक है, इसके क्या क्या फैक्टर्स थे कि एक पर्टिकुलर एरिया चूज़ किया गया, एंड कैसा उसके हमारी इकोनॉमी में इफ़ेक्ट पड़ा, कि कैसे अदर इंडस्ट्रीज़ भी शुरुआत हुई और कैसे इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। पिट्सबर्ग की बात करें तो पिट्सबर्ग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है। कहाँ पे है, ये अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। स्टील इंडस्ट्री जो है पिट्सबर्ग में, वो यहाँ पे भी देखिए क्यों पिट्सबर्ग चूज़ किया गया, बिकॉज ऑफ लोकेशनल एडवांटेजेस, यहाँ पे भी लोकेशनल एडवांटेजेस थी। देखिए क्या होता था, सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स अगर हम बात करें कोल की, तो वो यहाँ पे इजीली लोकली अवेलेबल था। अगर हम अदर जैसे बात करें मिनरल्स की, जैसे आयरन ओर है, वो आयरन ओर जो था वो मिनेसोटा एक जगह है, वो पिट्सबर्ग के काफ़ी पास है, वहाँ से, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन माइंस थी, तो वहाँ से माइन किया जाता था, वहाँ से सप्लाई किया जाता था आयरन ओर। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, अगर हम मिनेसोटा जहाँ पे ये आयरन माइंस है उस एरिया से लेके पिट्सबर्ग तक का एरिया देखें, तो इनके रूट में एक फेमस जगह है, उस जगह को हम बोलते हैं फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। ठीक है, ग्रेट लेक्स हैं ये, ग्रेट लेक्स हमें अभी, हम ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट क्या ये जो ग्रेट लेक्स है इसकी वजह से क्या हुआ, शिपिंग काफ़ी ज़्यादा, यानी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड चीप हो गया, क्योंकि यहाँ पर शिपिंग इन्होंने और को शिप करना शुरू कर दिया, यानी कि मिनीसोटा से आयरन ओर को
सॉरी मिनीसोटा से आयरन को इन्होंने, आयरन ओर को इन्होंने क्या करना शुरू किया, शिप करना शुरू किया, शिपिंग करना शुरू किया टूवर्ड्स पिट्सबर्ग यूजिंग ग्रेट लेक्स वाटरवे। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया, पिट्सबर्ग एरिया तक जाता था। ओयो, मोनोगला, एलिगेनी रिवर्स। अब ये तीन जो नदियां हैं इनसे एडिक्वेट पानी सप्लाई होता था स्टील इंडस्ट्री को। कहाँ पे? पिट्सबर्ग में। तीन इंपॉर्टेंट ये रिवर्स हैं। फिनिश्ड स्टील जो होती है उसको बाद में मार्केट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था, तो वो लैंड एंड वाटर रूट्स को लेके यूज़ करके फाइनली मार्केट तक पहुँचाया जाता था। पिट्सबर्ग के बारे में बात करें तो देखिए पिट्सबर्ग में स्टील मिल्स के अलावा, स्टील इंडस्ट्री के अलावा बहुत अदर इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई, जैसे हमने अभी जमशेदपुर के बारे में बात किया, सेम वैसे ही यहाँ पे भी अदर टाइप की इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। दिस यूज स्टील एज ए रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्यों देखिए डेवलप हुई, क्योंकि वहाँ पे स्टील का वो यूज़ करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज स्टील को रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, उन्होंने स्टील इंडस्ट्री के पास आके अपनी इंडस्ट्री शुरू करी। जैसे बात करें हैवी मशीनरी, देखिए हैवी मशीन्स जो बनती हैं या रेल रोड इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनमें स्टील का यूज़ होता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मशीन्स, हैवी मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं वो क्या की, वो पिट्सबर्ग में आके इस्टेब्लिश हुई, ताकि वो जो वहाँ से जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है वो वहाँ से वो ख़रीदें एंड फिर उसके यूज़ करके स्टील को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके अदर फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम ग्रेट लेक्स के बारे में बात करेंगे, तो देखिए जो ग्रेट लेक्स है आप इस मैप में देख सकते हैं, तो ग्रेट लेक्स किस से बना हुआ है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक रॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। ये चार लेक है जिसमें से सबसे बड़ा लेक जो है वो है लेक सुपीरियर, ये सबसे ऊपर है। आप देख सकते हैं ये कैनेडा एंड यूएसए में ये जो ग्रेट लेक्स है ये पूरा स्प्रेड है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो देखिए अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस में, रॉ मटेरियल्स के बेसिस में जो कि इसमें यूज़ होता है। देखिए फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब फाइबर्स क्या होते हैं, तो फाइबर्स देखिए नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो जैसे वूल है, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, जूट है, ये इनका यूज़ करके जब हम फाइनल एक प्रोडक्ट बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो उसको हम बोलते हैं ये फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। मैनमेड फाइबर्स होते हैं जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, रेयन है, ये क्या है, ये मैनमेड है, यानी कि मैन इन्होंने, ये इंसानों ने इसका आविष्कार किया हुआ, नेचुरली अवेलेबल फाइबर्स नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी कि पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था, अगर हम तब तक बात करें तो कॉटन क्लॉथ जो है, ठीक है, कॉटन फैब्रिक जो है उसको किस तरह से बनाया जाता था, उसमें यूज़ किया जाता था स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स का यूज़ करा जाता था, इसमें मोस्टली मैन लेबर यूज़ किया जाता था। लेकिन आफ्टर 18th सेंचुरी जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, तो उस टाइम में पावर लूम्स का यूज़ करना शुरू किया, इसकी वजह से क्या हुआ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। फर्स्ट टाइम ये ब्रिटेन में हुआ लेकिन बाद में ये दूसरे देशों में भी ये फैल गया था। जैसे अगर हम आज के बारे में बात करें तो इंडिया है, चाइना है, जापान है, यूएसए, ये इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया का देखिए ग्लोरियस ट्रेडिशन है, आप सभी को पता है कि इंडिया एक टाइम में फाइनेस्ट क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता था, बट आफ्टर ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने किस तरह से इंडिया का पूरा मार्केट ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो पूरा जो उस टाइम पे जो आर्टिसंस थे किस तरह से वो पूरे ख़त्म हो गए, उनको एक्सप्लॉइट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इंडिया स्टिल, देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे ढाका का मसलिन जो था ये काफ़ी फेमस था, ये है कैलिकॉस का कलिकत, ठीक है, ये फिर बुरहानपुर सूरत वडोदरा का गोल्ड रॉट कॉटन काफ़ी फेमस था, जो पूरे पूरे वर्ल्ड में क्वालिटी एंड डिज़ाइन के लिए काफ़ी फेमस होता था। बट फिर कैसे, देखिए उस टाइम पे आपको पता है शुरुआत में तो जो कॉटन है कॉटन में वीविंग की जाती थी, ठीक है, हैंडलूम्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऑलमोस्ट पूरी मशीनरी पे डिपेंडेंट हो गया था, तो जो ट्रेडिशनल कॉटन सेक्टर थी
क्योंकि ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जो अब नई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में यानी कि ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल मिल्स बन के आई जो कि मोस्टली मशीन्स पर डिपेंडेंट थी, तो उसके वजह से क्या हुआ, इनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ये जो हैंड जो हाथ से बना के जो पूरा काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स जो थे या आर्टिसंस जो थे, वो क्या हुए, वो इस टफ़ कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए। यानी कि वो देखिए उसको आप जब वो लोग हाथ से वीव करते थे, उनको वीविंग में काफ़ी टाइम लगता था, वो टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। वहीं जब पावर लूम्स इंडस्ट्रीज की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरुआत हुई, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोस्टली मशीन्स का यूज़ होता था, तो मशीन्स की वजह से तो जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी जल्दी जल्दी होता था, उसमें टाइम कम लगता था, लेबर कम लगता था, तो और जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट की वो भी काफ़ी हाई लेवल क्वालिटी होती थी। इस वजह से जो लेबल वर्क था, ठीक है, ट्रेडिशनल कॉटन वर्क था, वो टेक्सटाइल मिल्स का जो टफ कंपटीशन था उसको फेस नहीं कर पाया। ठीक है, वो लोग तो चीप प्रोडक्ट्स बनाते थे, चीप प्रोड्यूस करते थे, कम क्वालिटी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी थी, चीप प्रोडक्ट्स थे, लेकिन सस्ते में लोगों को बेचते थे, तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा ट्रेडिशनल कॉटन सेक्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे पहले मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल यानी कि जो कि पूरे मशीन्स पे डिपेंडेंट थी, ऐसी पहली टेक्सटाइल मिल बन के आई मुंबई में इन द ईयर 1854। अब देखिए किस एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होती है, ऐसे एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर, जहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है, गर्म होता है, मॉइस्ट होता है क्लाइमेट होता है, आसपास क्या होता है, पोर्ट होते हैं ताकि वो अपने इंपोर्ट कर सके, इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, स्किल्ड लेबर होता है, इस तरह से क्या होता है, ऐसे एरिया में इंडस्ट्री डेवलप होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर इंडिया में बात करें तो इनिशियली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पहले महाराष्ट्र और गुजरात में स्टैब्लिश हुई थी बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट मैंने आपको बताया फेवरेबल होता है, लेकिन अब अगर हम प्रेजेंट बात करते हैं तो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो अदर सेंटर्स जो हैं वो है कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये अदर इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज़ एक्सपोर्टेड, यानी कि इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितना भी प्रोड्यूस करती है उसका 1/3, ठीक है, 1/3 जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, यानी कि उसको हम दूसरे देशों में भेजते हैं। पहली टेक्सटाइल मिल अगर हम देखें, देखिए मैंने आपको बताया था कि इंडिया की पहली मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल बनी थी 1854 मुंबई में, लेकिन पहली टेक्सटाइल मिल इंडिया में शुरू हुई थी फोर्ट गॉल्स्टर में, ये थी कलकत्ता में 1818 में शुरू हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको बंद कर दिया था। अब देखिए जो मैंने आपको सेंटर्स बताए थे डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है वो है अहमदाबाद। ठीक है, ये अहमदाबाद गुजरात में है जो कि साबरमती रिवर पे सिचुएटेड है। यहाँ पे पहली मिल 1859 में बन के आई थी, एंड धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन के आया आफ्टर मुंबई। यानी मुंबई के बाद इंडिया में किसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता था, फेमस टेक्सटाइल सिटी आफ्टर मुंबई, वो था अहमदाबाद। इस वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाने लगा। अब क्या रीजंस थे कि यहाँ पे शुरुआत हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इसके लोकेशन फैक्टर्स थे, जैसे अहमदाबाद जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया से काफ़ी ज़्यादा पास है, यानी कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का एज अ रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री के लिए। फिर अगर हम बात करें क्लाइमेट जो था वो काफ़ी आइडियल था वीविंग एंड स्पिनिंग के लिए, मैंने आपको बताया था कि वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, फ्लैट एरिया काफ़ी अवेलेबल था, लैंड काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी जो कि मिल्स को स्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी सूटेबल थी। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो थे जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र के, वहाँ से स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर ईजिली मिलने लगे, एंड कनेक्टिविटी रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें वो भी इतनी ज़्यादा ईजी थी कि उसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी हुआ, एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजी होने की वजह से जो मार्केट थी वो भी इनको ईजिली एक्सेस होने लगी, ईजिली मिलने लगी। तो ये कुछ लोकेशनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से अहमदाबाद जो था वो एज अ टेक्सटाइल सिटी एमर्ज हुआ। लेकिन अब भी बात करें तो जो अहमदाबाद जो सिटी है एज अ टेक्सटाइल की हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होने लग गया, डिक्लाइन हो रहा है, उसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। रीज़न ये है कि इंडिया के अदर सेंटर्स में भी हमने बताया था जैसे पानीपत है, लुधियाना है, ऐसे जो एरिया अदर सेंटर्स भी हैं जहाँ पे
टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हो रही हैं, साथ में अहमदाबाद की देखिए जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वहाँ पे जो मशीन्स यूज़ होती हैं उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, अभी भी वहाँ पे ऑब्सोलीट यानी कि पुरानी टाइप की मशीन्स यूज़ होती हैं। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनकी वजह से अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में है। ओसाका की बात करें तो ओसाका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है, ये जापान में है, इसको जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है, जैसे इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को, इसी तरह से जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है ओसाका को। ओसाका में टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई, इसके भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, लोकेशन फैक्टर्स हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लेन लैंड अवेलेबल थी, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी कॉटन मिल्स को बना सकते थे, सिचुएट कर सकते थे। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे अवेलेबल है यानी कि प्रेजेंट है, जो कि स्पिनिंग एंड वीविंग को काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है। यहाँ पे रिवर योडो है, रिवर योडो क्या है, मिल्स को पानी, सफिशिएंट पानी सप्लाई करता है। लेबर भी यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल थे। एंड अगर हम पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजीली है, ईजी है, ठीक है। अब पोर्ट फैसिलिटी की वजह से क्या होता है, ये लोग रॉ कॉटन को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं एंड फाइनल टेक्सटाइल को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि ओसाका में है, उसके हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे अजीब बात ये है कि वो रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि उनके पास कॉटन इतना ज़्यादा है नहीं, कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ नहीं है, तो वो लोग कॉटन को इम्पोर्ट करते हैं। एंड कहाँ कहाँ से करते हैं, इजिप्ट से करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट का कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया से करते हैं, चाइना से करते हैं, US से करते हैं, ये कॉटन इम्पोर्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं कि वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, साथ में उसका प्राइस भी कम होता है, जिसको वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से वो एक्सपोर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि वो अपना प्राइस लो रखते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री, ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़। तो सेम यहाँ पर भी हाल अहमदाबाद वाला हुआ कि ओसाका में, जैसे ओसाका फेमस तो वैसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से ही है, ठीक है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ही हैं, लेकिन अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो यहाँ पे क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हैं, बट अदर इंडस्ट्रीज़ है जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सीमेंट है, ऐसी टाइप की इंडस्ट्री ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल के टाइम में। तो इस एरिया में ओसाका में भी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डाउनफॉल चल रहा है। देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो फोर्ट गॉल्स्टर है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, कैलिफोर्निया, गुजरात। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में है, जिसको 1818 में शुरू किया था, बाद में बंद कर दिया था। इनमें से कौन से एक नेचुरल फाइबर है, नायलॉन, जूट या एक्रिलिक, तो है जूट। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप रिव्यू भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।